Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affair series called To the Point, Zid Se Jeet Tak. Hi, everyone. बच्चे आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अभी आपने रिसेंटली न्यूज तो बहुत दफा सुन ली हुई कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्डिक्ट जो है वो दिया था राइट एंड वी एज इंडियंस आर वेरी हैप्पी कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मामलों के अंदर राइट नहीं तो इलेक्शन से थोड़ा सा हाथ पीछे ही रहता है कोर्ट्स का है ना वो घुसते नहीं है जुडिशियल ओवर का मामला आ जाता है बट स्टिल ये पर्टिकुलर केस हुआ हमारे लिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आर्टिकल यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर वर्ड को देने के लिए और ये आर्टिकल और केसेस में भी यूज हुआ जितने भी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग केसेस इंडिया में आपने सुने होंगे जैसे फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस वाला केस है एमसी मेहता केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी यूनियन कार्बेट वाला जो केस था इन सारे और भी बहुत सारे केसेस राइट टू तो एजुकेशन इन सारे केसेस के अंदर ये आर्टिकल 142 फोर्टी किया गया राइट आज हमारी जो स्टडी रहेगी वो यही रहेगी कि आर्टिकल 142 क्या चीज है है ना कौन कौन से केस में ये पहले लगा था वो हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे क्या फायदा है इसका और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी है कि यार जुडिशियल ओवर तो होती है इससे राइट आइए बच्चे देखते हैं सो कॉन्टेक्स्ट बच्चे इसका यही है दैट सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली द रिजल्ट्स

क्या बोलता है ये आर्टिकल 142 फोर्टी टू इट एनेबल सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस टू डू कंप्लीट जस्टिस जैसे फॉर अगर एग्जाम्पल जैसे अगर आप यही वाला केस देखते हो तो इसमें जैसे वो था और अब तो प्रूफ भी हो गए कि पहले डी किया गया बैलेट्स को और उसके बाद में जब पता लगा कि यार हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर दे इलेक्शन को तो इन बिटवीन एमएलए की स्विच, स्विचिंग जो है वो दूसरी पार्टी के अंदर जो है वो हो गई थी बट सुप्रीम कोर्ट रिकगनाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग है ना एंड इट डिट दी कम्प्लीट जस्टिस की नहीं पहले वाले वोट्स इकाउंट होंगे जो चेंज कर रहे करने दो बट वोट्स वालेउंट होंगे जिसको डली है उसी को डली है बट अगेन कंप्लीट जस्टिस की डेफिनेशन ना इस एक्ट में है ना कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ट्राई किया है कंप्लीट जस्टिस को आइडेंटिफाई करने का बट अभी भी आर्बिट्रेरी है तो है राइट इट इज कंप्लीट जस्टिस एज डीम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ठीक है बच्चे आइए बच्चे आगे चलते हैं। अबाउट आर्टिकल वन द आर्टिकल टू डू कंप्लीट जस्टिस एक तो आपको सीधा सवाल यही है कंप्लीट जस्टिस कहां लिखा हुआ है कौन से आर्टिकल के तहत है? और क्या करता है सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर इसके अलावा आर्टिकल इंडियन अलाउस कोर्ट टू पॉज पास नेसेसरी डिक्री इन एनी कॉज एंड मैटर पेंडिंग बिफोर इट ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आर्टिकल 142 सुप्रीम मोटो कभी कभी भी भी लगा सकता है सुबह कर सकता है एंड इट कैन डिलीवर कंप्लीट जस्टिस इसीलिए भी लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट के पास में है बिकॉज ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जुडिशियर के पास राइट right? तो इन केस अगर आपके पास जुडिशियल क्वेश्चन आता है या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अब है ना अभी अभी हम अभी, अभी तक हम सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देख रहे थे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज को देखते हैं है ना तो हमें समझ में आता है कि ओके इट इज ए टूल इसको चलाना इस समझदारी की बात इसको ज्यादा चलाना है ना वो फिर आपका धक्का उसमें आ जाएगा कि यार धक्काशाही हो रही है है ना अब थोड़ा सा ये ओवर रीच में मामला जा रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट इज चेक करना पड़ता है इस पर्टिकुलर चीज को दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एम्पावर सुप्रीम कोर्ट वास्ट पावर नोन एज सुस्डिक्शन कि वो खुद से उठा सकते हैं खुद ब खुद डिस्क्रिशनरी पावर पकड़ाता है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट जस्टिस ये डिफर करती है हर केस में समझिए इस बात को कंप्लीट जस्टिस को डिफाइन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हर केस टू केस में इसका जो मतलब है जो इसके आयाम है जो इसका स्कोप है है ना जो इसकी लेग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी आगे देखते हैं बच्चे <coughs> इसके थ्रू जितने भी ऑर्डर आते हैं बच्चे इट इज अ बाइंडिंग ऑर्डर राइट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ना और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो ये बाइंड होगा ही होगा देर आर वेज टू बाई पास इट बट वो थोड़े लंबे हैं आपको लॉज वॉज निकालने पड़ते हैं देर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना पड़ता है देन अगेन सुप्रीम कोर्ट विल सी की कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है शॉट डाउन तो नहीं करना इसको है ना तो पर एक समय को तो हो जाएगा देर आर वेज बट आर्टिकल ये बोलता है बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है एंश्योरिंग जस्टिस बियॉन्ड लॉ तो लॉ का मतलब ये नहीं होता लॉ एनफोर्स करना ही मतलब नहीं है उसका मेन मकसद तो जस्टिस ही है ना हेंस आर्टिकल 142 एम्पावर्स यू इसके अलावा इट प्रमोट सोशल जस्टिस द कोर्ट यूज आर्टिकल टू तो एड्रेस लाइक प्रिजन रिफॉर्म्स में भी यूज किया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में यूज किया राइट ऑफ कम्युनिटीज में तो आर्टिकल वन सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से यूज करता है इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट इससे आई है इसी का सब पार्ट है बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंडी ये थोड़ा सा कोर्ट के भी हाथ खोलता है राइट कोर्ट इज बाउंड बाय द लॉ ये थोड़ा सा उनको अंदर हाथ पर चलाने का मौका देता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके जस्टिस डिलीवर कर सको क्योंकि आपका मेन काम जस्टिस डिलीवरी का ही है राइट एंड डेटर एंड एनफोर्समेंट द कोर्ट एबिलिटेको एक्शन कैन डेटर पोटेंशियल वायोलेशन अगर लोगों को पता है अगर आम नॉलेज में ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट

Thanks for watching the video. This seven minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IA's Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024